नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सप्त ऋषि के अंतर्गत मैं परजन्य आज आप सबों के समक्ष वीर रस की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरम पंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बैंड बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नागमणि पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, कोई विस्तार कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रही थी यूं की कड़के पेड़ों से, पीपल छाया मांग रही थी यूं की कड़के पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा है भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, जब सिंहों की राज्यसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं, रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के कांडी धर्म की भाषा में, भारत वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर का दान करो या गद्दारों से युद्ध करो, कश्मीर का दान करो या गद्दारों से युद्ध करो, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आतंकोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधे से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुलंसी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुलंसी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेरी चकरे जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एरी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एरी रगड़े जाने में देरी क्यों है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परिवेश दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी भाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मत के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना बतला दो, दिल्ली वालों सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से ले लेने दो, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत के खुदारी की, दिल्ली केवल मोहलत दे दे 2 दिन के तैयारी की, सेना को आदेश समा दो घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।